आज वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इस दौरान एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि केंद्र की मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे और 2016 से 2021 के बीच में इस समय हम उत्तर प्रदेश के अंदर 30 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। काशी को जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का एक नया हब बन चुका है, जो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नेपाल, इन सभी के स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बेहतर केंद्र के रूप में उभरा है। ये प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय नड्डा जी की ने उस समय इन कार्यक्रमों को यहां पर मूर्त रूप देते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया था। लेकिन हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण की जिस प्रवर्तमान अभियान में प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हैं, जिसके माध्यम से वैश्विक मानचित्र पर मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, मजबूर नहीं। 1947 से लगातार भारत का नेतृत्व, भारत को जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बांट करके दुनिया के सामने एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा किया था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के भाव को आगे बढ़ाया है।